अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अदब ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। दुनिया भर में आज चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन भर की थकान हो, बस दो घूंट भाप उड़ाती गर्म चाय की चुस्कियां सारे मसाइल हल कर देती हैं। पाकिस्तान में तो वैसे भी चाय पेश करना हमारी सकाफत का हिस्सा बन चुका है। मेहमान आए या बुज़ुर्गों की सियासी बैठक हो, खुशी का मौका हो या दुख की घड़ी, चाय पेश करना हमारी तहजीबी रवायात में शामिल हो चुका है। मुख्तसर ये है कि मेहमानों के चाय बमा लवाजमात पेश करना ज़रूरी समझा जाता है। चाय का इस्तेमाल आमतौर पर सुबह नाश्ते में किया जाता है, जबकि कुछ अफराद इसे दिन भर की थकावट से छुटकारा और जहन को तरोताज़ा रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में चाय एक मकबूल तरीन मशरूब का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। रोज़ाना 2 अरब लोग अपने दिन का आगाज़ गर्म चाय की प्याली से करते हैं। इसके अलावा चाय के कुछ तबई फ़वाद भी अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में होने वाली तहकीक में ये बात सामने आई है कि जो लोग रोज़ाना गर्म चाय पीते हैं वो दीगर लोगों के मुकाबले में आँखों के बड़े अमराज जैसे नाबीना होना और काले मोतिया के मर्ज में मुबतला नहीं होते। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।